हम आ चुके हैं अंबर के किचन स्टूडियो में और बन रही है बॉम्बे फिश करी। जी, बॉम्बे स्टाइल फिश करी बना रहे हैं आज। और आपा, मैंने ये फ़िश ली है रेड स्नैपर। ठीक, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सुरमई ले ली है। ये 1 kg से ऊपर है, 1.5 kg। ठीक है, ठीक है। और दूसरी सेकंड बात ये कि आपा, कि मैंने इसके लिए खुला बर्तन लिया है फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि फ़िश तो है, हम मछली टूट जाती है। अब ये मसाला एक ब्लेंड करना है। मैंने ऑयल डालना है इसके अंदर 1/2 कप, अपने अंदाजे से डालना है 1/2 कप ऑयल। पहले तो मैं मसाला पीसती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने जैसे टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर लिया, और इसका मसाला ग्राइंड करना है 2 टमाटर। इसके अंदर मैंने दही डाल दी 1 कप, और इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई, ये जो धनिया है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, या ज़ीरा, ये धनिया है। अच्छा, धनिया कुटा हुआ धनिया, ये स्पेशल इसकी मतलब ये है कि ये डलता है। 2 टीस्पून मैंने डाला है। अच्छा, सेकंड इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन, गार्लिक, ये फ्रेश गार्लिक। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अदरक नहीं जाती आप मछली के अंदर, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने यूँ चेंज किया है कि मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन दोनों ही पीस में जैसे डालती हूँ। अब मैं इसको पीस लूँगी। ग्रीन चिलीज भी जाएंगी? नहीं, ग्रीन चिली मैं ऊपर से बस। अच्छा, वो राइस के लिए, प्याज भी मैंने राइस के लिए थोड़े से रखे हैं, बस। अच्छा, यही इनफ है। ठीक। नारियल रह गया था, फ्रेश कोकोनट 1/2 कप ग्रेटेड, कद्दूकस करके नारियल डाल दीजिए। और फ्रेश डालना है जो बाज़ार में मिलते हैं आपको, नारियल लेके उसको कद्दूकस करके भुना। अच्छा शीरिन, ये पहले जो है खोपरा, मैंने इसको कद्दूकस किया था फिर डाला है, क्योंकि अगर क्यूब्स में डालती तो वो चंक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने चूल्हा जो है थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि ये फ़ौरन इसकी इसके अंदर मैं डालूंगी पहले कड़ी पत्ता। आपने इसके अंदर डालना है राई, राई दाना 1/4 टीस्पून, राई दाना डाल दीजिए। इसके अंदर मेथी दाना, मेथी दाना 1/4 टीस्पून, राई दाना 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ता 15-20 पत्ते, साबुत लाल मिर्चें 10 से 12। ये मैंने डालने के बाद इसके अंदर ये मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ है ये डाल दूँगी, और ये पिसा हुआ मसाला। अब मैं इसके अंदर ही मैंने सारे स्पाइस डालने हैं, और जब इसका ऑयल रिलीज़ होगा फिर मैंने इसके ऊपर फ़िश सारी बिछानी है इसके ऊपर। इसमें लाल मिर्ची नहीं? जी, अभी सब जाएगा। अच्छा, अभी जाएगा। मैं अभी सब इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैंने देगी लाल मिर्च और सादी दोनों मैंने ली है, मिक्स कर। हाँ, देगी इसलिए कि ज़रा इसका कलर बहुत अच्छा आता है, मैंने क्योंकि सादी वाली जो होती है इतनी स्पाइसी नहीं होती है, देगी भी थोड़ी सी होती है, तो ये मैंने डाल दिया 4 टीस्पून डाली है, 2 टेबल स्पून ही। अच्छा, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, और वैसे भी ऑलरेडी हमने साबुत धनिया जो है रोस्टेड वाला ग्रेटेड डाला है। अब मैं पिसा हुआ डालूंगी इसके अंदर, जीरा, धनिया, अच्छा पिसा हुआ धनिया, ये धनिया पाउडर भी डाला है, धनिया कुटा हुआ भी डाला है, उसी का ही फ्लेवर आता है। ये ज़ीरा है रोस्टेड, ठीक है, बना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर मैंने क्रश रेड चिली, ये चिली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, जी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जो है गरम मसाला, ये मैं अपना घर में पीसती हूँ, वो है थोड़ा अभी डालूँगी, थोड़ा फिश के बाद डालूँगी। ठीक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आपने देखा कितनी आसान और झटपट और बहुत ही मज़े। अच्छा, इसको आप रोटी के साथ खाते हैं या बॉइल्ड राइस? नहीं, इसके साथ मैंने मसाला राइस बना रही हूँ। अच्छा। जिसकी मैंने सब प्रिपरेशन करी हुई है, वो भी मैं अभी इंशाल्लाह कैप लिड लगा देती हूँ उसके ऊपर, ताकि ये फौरन जल्दी से इसको कवर करके छोड़ दें, बिकॉज ये उठता है तो आपका किचन ना गंदा हो, आपके कपड़े ना गंदे हो। ठीक है, जी जनाब, मसाला एक दफ़ा देख लेते हैं। नमक डालना हम भूल गए,
तो इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा बिकॉज मछली ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई है विद सॉल्ट एंड लेमन जूस। देखा वो क्या कलर आया है, ये ऑलमोस्ट डन ही है, बस मैं इसके ऊपर नमक डाल देती हूँ क्योंकि हमने फिश को लेमन और सॉल्ट वगैरह लगा के रखा हुआ था। नमक मैंने थोड़ा सा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। लेकिन जब तेल ऊपर आ जाए तो आपको इसमें मछली डालने हैं, मछली के पीसेस डालने के बाद फ़ौरन से इसको टर्न करने और फिर उसके बाद आपको नहीं हिलाना है। बाकी मछली में स्मेल होती है, इसमें नहीं है। अच्छा अब ये आप देखें, मैंने इसको डाल के फ़ौरन ही पलट लेना है ताकि इसका मसाला बोथ साइड कवर हो जाए। अच्छा आंटी, इसके अंदर लास्ट में मैंने इसके अंदर ये वॉश करके मैंने ग्रीन चिली डाली। साबुत 3-4 डाल दीजिएगा, मोटी वाली, दम दम पे आपको इसको छोड़ना है, बस ये तैयार है। थोड़ा सा पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वो डाल दिया था, मुश्किल से 1/4 कप, ठीक है, और दम पे रखा हुआ है ये। अब हम आ गए हैं मसाला चावल जिसके साथ आपको ये सर्व करना है मछली की कड़ी। 1/2 कप तेल लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून वो डाला है लहसुन कुटा हुआ। अच्छा इसके साथ ही मैंने डालने हैं सारे गरम मसाले, मैंने लिए जो नॉर्मल हमारे जो गरम मसाले डाले हैं, 1 टेबल स्पून में जीरा सब कुछ है, हाँ। तेज पत्ता भी है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जीरा, और इसके साथ ही मैंने डालना है राय। अच्छा राई भी जाए, और राई दाना और इसकी सबसे अच्छी जो खुशबू है वो मेथी दाना 1/4 टीस्पून, और इसके साथ जाएगा साबुत साबुत लाल मिर्चें 8-10 ये डाल दी मैंने। अच्छा इसको घुमा के थोड़ा सा इसको लाइट तरीका अलग होता है, अब इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अलग ही आपको स्पाइस लगेगा। बस अब मैंने ये जैसे फिर इसमें टमाटर जाएंगे चॉप, दो से तीन हरी मिर्चें चॉप। अब जैसे ही मैंने ये मसाला वो कर लिया, ये जैसे हमारे जो है गार्लिक पूरी सी फ्राई होंगे, मैंने ग्रीन चिली एंड टमाटर डाल। टमाटर और हरी मिर्च डाल के हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 टीस्पून, मतलब 2 टीस्पून हल्दी जाएगी। पानी अपने साथ ही रखेगा ताकि इसके जो स्पाइस जो है ना वो लगे नहीं। नमक डालने के बाद बस हमने इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता थोड़ा मैं इसके ऊपर से डालती हूँ ताकि, और थोड़ा सा मसल के, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी रहे। अच्छा मैंने अब डालना है नमक, और मैंने 750 ग्राम जो है वो राइस लिए हैं, 3 पाव इस हिसाब से। क्या ज़बरदस्त खुशबू, पूरा स्टूडियो महक गया है, ज़बरदस्त। तो अंबर जब तक ये हो रहे हैं आप चावल डालेंगे, आप लोगों से हम मिलेंगे अंबर के डाइनिंग टेबल पे, फिर आपको खा के टेस्ट करके बताएंगे कि बॉम्बे स्टाइल फिश करी और ये मसाला राइस कैसे लगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। तकल्लुफ अंबर, क्या क्या बनाया है और सब आपने बनाया है जी घर में, मैंने बेटियों ने मिलके साथ हेल्प कर रही है। मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई है और मटन रोस्ट बनाया है और चाउमीन बनाई है और ये जो है दही बड़े बनाए हैं, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बघारे दही बड़े हैं जो कर खास स्पेशली हमारे रमज़ानों में, ये पूरी रमज़ान बनाती हूँ मैं रोज़। हाँ रोज़ डेली बनता है ये, हाँ आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये तो आप भी जरूर लीजिएगा, और ये पहले इसी से छोटे मिनी बर्गर्स बनाए चिकन के। ऐसे ही तुमने देखा है, डालें वेरी वेरी नाइस।
बेसन की है या नहीं? ये मूंग की दाल के हैं, मतलब घर में बना के मतलब पीसा है इसको, और कुछ इसके अंदर नहीं डाला, सिर्फ सिंपल सॉल्ट और सोडा वगैरह कुछ भी नहीं। वेरी वेरी नाइस। ये मैंने एक देसी क्लास रखी थी, उसमें मैं एक दफ़ा मैंने सिखाई भी है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह।